हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एल्युमिनियम और कॉपर वायर को सीधे तौर पे क्यों नहीं ज्वाइंट किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, एल्युमिनियम और कॉपर आपस में ज्वाइंट हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ये कहाँ हद तक सही है और कैसे इसको प्रॉपर ज्वाइंट किया जाए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये लक्स लगा के कॉपर टू कॉपर ज्वाइंट हुआ है और यहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम आपस में ज्वाइंट हुआ है। तो इसी को हम लोग चार तरह से जानेंगे कि एल्युमिनियम और कॉपर सीधे तौर पर क्यों नहीं ज्वाइंट किया जा सकता है, इसको ज्वाइंट करने का प्रॉपर तरीका क्या है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, ये चार तरह का क्वेश्चन है, हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जानेंगे विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जानेंगे केमिकल रेजिस्टेंस और ग्लोबलाइज करंट जानेंगे, ठीक है। और तीसरा हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मिनल एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक्सपेंशन के क्या बारे में हम लोग जानेंगे। और चौथा जानेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है ना। और दो क्वेश्चन और भी जानेंगे, जैसे एल्युमिनियम और कॉपर वायर ज्वाइंट करने के लिए कौन कौन सा टूल्स लगता है और एल्युमिनियम कॉपर के लिए कितने प्रकार की ज्वाइंट आती है, ठीक है ना, ये सब जानेंगे। और लास्ट में जानेंगे सावधान यानी सॉल्यूशन क्या है, इसको ज्वाइंट कैसे किया जाइए, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है दोस्त। तो आइए वीडियो स्टार्ट कर दोस्तों। पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो देख रहे हैं विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अभी यहाँ पे हम लोग जानेंगे दोस्त दो तरह का केबल्स, जो कि यहाँ पे एक कॉपर है और एक एल्युमिनियम है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ज्वाइंट हुआ किस हद तक सही है ये हम लोग जानेंगे। जैसे कि बता दूं, कॉपर और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, एल्युमिनियम की तुलना में कम होता है, ठीक है, जबकि दोनों तारों को जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में इनक्वालिटी के कारण कॉन्टेक्ट पॉइंट पर होता है, यह गर्मी वायर कनेक्शन को कमजोर बना देता है, ठीक है ना, और आग लगने से खतरा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर इस तरह के आप ज्वाइंट करते हैं ना, ये गर्मी को बढ़ा देता है, जब गर्मी बढ़ती है ना तो आग लगने की खतरा होता है, ठीक है ना। ये ऐसे ज्वाइंट नहीं करना है। तो कैसे ज्वाइंट करना है आगे जान लेते। इससे पहले बता दूं दोस्तों, जब भी आप केबल लेंगे ना तो रेजिस्टेंस मीटर से केबल को जरूर चेक कर लें, कहीं फॉल्ट तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है, ठीक है ना दोस्त। अगर कैसे रेजिस्टेंस मीटर से चेक किया जाता है केबल, मेरे चैनल पे जाएंगे तो मैं बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ, आप जाकर देखना, 100% गारंटी के साथ आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे हम लोग जान लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड गल्वनाइज करंट, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड गल्वनाइज करंट। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में जान लेते। तो यहाँ पे दो चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे गल्वनाइज जब भी होता है, एल्युमिनियम और कॉपर एक साथ आते हैं और नमी के संपर्क में आते हैं, तब यह गल्वनाइज सेल, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेल गल्वनाइज सेल बन जाता है। और इस प्रोसेस में एल्युमिनियम तेजी से एरोटेड यानी खराब हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये खराब हो जाता है, ठीक है, और जिससे कि कनेक्शन कमजोर हो जाता है। कोई भी कनेक्शन, जैसे प्लम्बिंग के कनेक्शन कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर रहे हैं, ये कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्साइड लेयर यानी एल्युमिनियम के सरफेस, यानी एल्युमिनियम जो भी है ना उसके सरफेस ऊपर वाली भाग, ये देख रहे हैं ऊपर वाली भाग जो है, ऑक्साइड परत जल्दी बनती है, ठीक है ना। ऑक्साइड परत क्या होता है, जल्दी बनती है, यह परत इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा डालती है, यानी जो भी कनेक्शन होता है ना उस फ्लो में बाधा डालती है, जिससे कनेक्शन की क्वालिटी खराब होती है, घटिया हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो वहाँ पे है ना, एक जंग से पकड़ लेती है, तो उसमें क्या होता है, बार बार साफ करना पड़ता है, वो क्वालिटी सही नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए आप जब भी यूज करें तो गल्वनाइज्ड कोई भी कॉपर का यूज करें, या गल्वनाइज स्टील या गल्वनाइज कोई भी एल्युमिनियम यूज आप करें, ठीक है, ये तो जान गए। चलिए हम लोग जान लेते हैं तीसरा, थर्मल विस्तार के गुण क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे चित्र बना हुआ है, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जानेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, एल्युमिनियम और कॉपर के थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, ये प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल करंट के कारण तापमान बढ़ जाता है, तो इसे दोनों मेटल अलग अलग दर से फैलती है और सिकुड़ती है। यह आसमान और सर अनसेफ एक्सपेंशन कनेक्शन को ढीला कर सकता है, जिससे कि हम स्पार्किंग और आग लगने की खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आप कहीं भी देखे होंगे बिल्डिंग बनता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ज्वाइंट होता है, दो बिल्डिंग बनती है ना, जैसे दो बिल्डिंग छत हो रहा है तो ज्वाइंट होता है उसमें, ठीक है ना। तो ज्वाइंट के पास में अगर आप पाइप लेकर जा रहे हैं ना, कोई भी पाइप लेकर जा रहे हैं, तो उसमें ये जो स्लीव है, एक्सपेंशन स्लीव, आपको लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी के दिन है ना तो तनाव होता है इसमें, ठीक है, और ठंडी के दिन में सिकुड़ता है ये, ठीक है ना, ये सिकुड़ता है। तो इस तरह का एक्सपेंशन स्लीव जरूरी है लगाना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे EMT पाइप में भी एक्सपेंशन स्लीव लगा हुआ है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर ऊपर नीचे होता है कोई भी बिल्डिंग
जैसे कि जंपिंग है तो ये वाला एक्सपेंशन स्लीव लगाते हैं और इस तरह का भी स्लीव आता है। तो दोस्तों जब भी आप ज्वाइंट अगर कहीं भी कर रहे हैं, दो बिल्डिंग ज्वाइंट हो रही है, तो एक्सपेंशन स्लीव लगाना जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि ये मेटल में भी होता है और पीवीसी में भी आता है। ये स्पार्किंग होने से खतरा बचाता है क्योंकि केबल जो रहता है ना स्ट्रेंथ बहुत टाइट रहता है और उसमें हम केबल जब खिंचाई करते हैं तब जब भी कोई जंपिंग होता है तो उसमें केबल खराब हो जाता है, अनसेफ रहता है। तो इसीलिए आपको ये एक्सपेंशन स्लीव लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथा हम लोग जानेंगे यांत्रिक दृढ़ता यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम कॉपर की तुलना में कम मजबूती होता है, गल्वनाइज पाइप या कोई भी गल्वनाइज सपोर्ट लगाते हैं तो इस तरह का मसला बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इस तरह का मसला और खराब हो जाता है, जैसे यहाँ पे गल्वनाइज नहीं है तो खराब हो गया, ये कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग जानते हैं सावधानियां इसका क्या है। पहले नंबर सावधानियां हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, एल्युमिनियम और कॉपर वायर को सीधे जोड़ने उत्पन्न होने वाली समस्या यानी कोई भी समस्या वो प्रॉब्लम समझाता है, ठीक है, जिसका समाधान अपना पावर सिस्टम की सुरक्षा और अनविश्वसनीय के लिए उत्पन्न होता है। और आपको बता दूं ध्यान से आप कोई भी कनेक्शन करें तो आप ध्यान से पावर सिस्टम की भी सुरक्षित जरूर करें, ठीक है ना दोस्त। दोस्तों अगर कमेंट करते हैं तो अगले हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगला वीडियो बनाएंगे एल्युमिनियम और कॉपर वायर में ज्वाइंट कैसे किया जाता है और उसका टूल्स कौन कौन सा लगता है, ठीक है ना, और ज्वाइंट किट कौन कौन सा आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लेना और आप नए व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।